पीएम मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में रूपांतरकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर देश में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदल दिया है। भारतीय रेलवे आज से किसान रेल सेवा को शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन से सब्जियों को फलों को ले जाया जाएगा और यह महाराष्ट्र में देववाली और बिहार में दानापुर के बीच चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में इस साल के अपने बजट भाषण में ऐलान किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। इस सिलसिले में ईडी का समन उन्हें पहले ही जा चुका है। अभी तक पटना पुलिस से बचने के लिए रिया फरार हो गई थी, लेकिन अब वे अपने फ्लैट में वापस लौट आई हैं। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर नामांकन को लेकर प्रथम चयन सूची आज जारी की जाएगी। पहले यह सूची 4 अगस्त को जारी होनी थी। इंटर नामांकन के लिए 3,564 कॉलेज और स्कूल के 17,00,000 सीटें आवंटित हैं। इस बार शिक्षण संस्थान के साथ सीटें भी बोर्ड ने बढ़ाई हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के लिए आज इंटरव्यू होना है। कैबिनेट सचिव की अगुवाई वाली खोज समिति छांटे गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगी। पहले यह इंटरव्यू 23 जुलाई को होना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे टाल दिया गया था। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अभी तक किसी कमेटी का गठन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी है। पहले यह सुनवाई 5 अगस्त को होनी थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के एक साल पूरे होने के कारण इसे 2 दिन के लिए टाल दिया गया था। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान नीतीश सरकार कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। इसमें आर्थिक क्षेत्र में सम्मानित लोग शामिल होंगे। निर्देशक मनीष वात्सल्य की ऑस्कर की रेस में रह चुकी फिल्म स्कॉटलैंड आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। यह फिल्म अब तक 62 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है, जबकि यह ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी की रेस में भी शामिल हो रही है। टीवी पर पॉपुलर शो दिया और बाती हम में भावों की बिंदड़ी आरजू राठी का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस प्राची तहलान शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। प्राची आज दिल्ली के बिजनेसमैन और वाइल्ड लाइफ संरक्षणवादी रोहित सरोहा के साथ शादी कर रही हैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।